नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 12 से 15 जनवरी तक रीवा के मारतंड स्कूल में हैंडबॉल की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। हमारी टीम ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों से बात, उनका साफ तौर से कहना था, हम पिछले 7 साल से इस प्रतियोगिता को आयोजित कर रहे हैं। रीवा ने कई हैंडबॉल के नेशनल और प्रदेश स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, इस बार भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। रीवा में हैंडबॉल प्रीमियर लीग 12 जनवरी से 15 जनवरी तक मारतंड स्कूल क्रमांक 1 के मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी भी भाग लेंगे। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्पर्धा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्त और स्वच्छ रीवा स्वच्छ भारत रखा गया है। हम आपको बता दें, यह प्रतियोगिता पिछले 7 सालों से प्रदेश स्तर पर आयोजित की जा रही है। ओलंपिक संघ रीवा एवं हैंडबॉल संघ के बैनर तले निश्चित रूप से एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन रीवा शहर में अपने आप काफ़ी गौरव की बात है। हैंडबॉल संघ का यह प्रयास इसलिए भी सफल माना जा सकता है, प्रतियोगिता शुरू होने के पहले ही रीवा में उसने पिछले 7 सालों से ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है। इसके पूर्व 7 प्रतियोगिताएं आयोजित कर रखा है और सबकी सफल रही हैं। सफल इस मामले में कि यहां से कई खिलाड़ी निकले जिन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे रीवा का नाम गौरव किया। हम आपको बता दें, रीवा के समीप अगडाल में जहां पर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई खिलाड़ी निकल चुके हैं, इस स्पर्धा के बाद इनको भारतीय टीम में सेलेक्ट होने का सुनहरा मौका भी मिल सकता है, जिसके चलते प्रतियोगिता का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रतियोगिता किस तरीके से होगी, इसकी रूपरेखा तय करते हुए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। सुनिए आयोजक प्रतियोगिता को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ओलंपिक संघ रीवा और हैंडबॉल संघ रीवा के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता प्रारंभ की जा रही है। ये प्रतियोगिता पिछले 7 वर्षों से, 7वां संस्करण है, पिछले 7 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग के नाम से ये प्रतियोगिता हम लोग करवाते हैं। इसमें एक टीम में मध्य प्रदेश के सभी जिले के खिलाड़ी इसमें शामिल रहते हैं, जैसे आप IPL वगैरह आप देख सकते हैं। और काफ़ी इसमें अधिकारी भी आ रहे हैं, 50 के आसपास अधिकारी आ रहे हैं और 250 के आसपास हमारे खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और मैदान हमारा मातन क्रमांक 1 रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास उपस्थित हैं संभागीय क्रीड़ा अधिकारी माननीय IP सर और OP दुबे सर, जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ भी यहाँ पर सलकान सर हैं। सबके सहयोग से प्रतियोगिता हमारा कराने का निर्णय लिया गया है। तो क्या उद्देश्य? उद्देश्य हमारा सबसे पहला तो उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए है कि हम खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच दे पाएँ, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, उनको हम आगे बड़े मंचों पर प्रमोट कर पाएँ, उसका लाभ भी मिल रहा है। सबकी नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं रीवा से कि रीवा के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में हमारी 14 वर्षीय टीम और 19 वर्षीय टीम, दोनों टीमें हमारी फाइनल में मध्य प्रदेश स्तर पर खेली हैं। तो इस तरह की लीग कराने का एक यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो बहुत ऊपर आती है, तो ये उद्देश्य है। दूसरा एक उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को हम खेल से ही नहीं, खेल के साथ साथ उनके रोज़गार और उनकी व्यवस्था हम लोग कर पाएँ। तो जो भी हम जैसे आयोजन कराते हैं तो कई लोगों से हमारी बात भी चलती है कि हमारे खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ उनके पेट से भी जोड़ने का कार्य किया जाए, जिससे खेल हमारा बढ़े। अक्सर ये होता है कि सिर्फ खेल खेल में ही रह जाते हैं, तो खिलाड़ी बाद में बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें जो फेस करते हैं वो ना करें, हमारा ये एक उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य ये है कि हम बालिकाओं को की प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे उद्देश्य चलता है, हमारे भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। पिछली बार हमने 30 सम्मानित महिलाओं का सम्मान किया था। ताज़ातरीन खबरों के लिए
न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।